अब आज आपकी उम्र कम है तो शायद आज आपके लाइफ में उतनी परेशानी, उतनी एंजाइटी या फिर उतने प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। तो उस समय इन सब चीज़ों का रूटीन या फिर इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस विल कीप यू ग्राउंडेड, स्टेबल एंड वेरी फ्री। ऑलराइट, तो इस बढ़ती उमड़ती भीड़ में, इस बदलते बिखरते देश में, अगर आपको अपने इस जवान जीवन में कुछ उखाड़ना है तो भाई मेरे आज के इस वीडियो के 8 लाइफ स्किल्स जरूर सीख लेना, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन के अगले 10 साल में अगर ये 8 लाइफ स्किल्स पूरे तरीके से बेहतरीन तरीके से सीख लिया तो गुरु आपकी आने वाली जिंदगी और आपकी आज की 20s वाली जिंदगी दोनों बड़ी एक्साइटिंग, बड़ी एडवेंचरस और बड़ी कमाल बन जानी। अब भला कौन से है ये 8 लाइफ स्किल्स मैं जो हम सब छोटे भाइयों को आज ही सीख लेना चाहिए? वेल, लेट्स टॉक ऑल अबाउट इट। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रॉक। थैंक यू। Okay, तो भाई सबसे पहला लाइफ स्किल, सबसे जरूरी लाइफ स्किल इफ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनालिटी इन द नेक्स्ट 10 इयर्स इज दिस स्किल ऑफ कोल्ड अप्रोच। जी हाँ, अनजान लोगों से, अनजान लड़कियों से, अनजान लड़कों से रैंडमली जाके बात करना, एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना और दोस्ती बनाना। अब सच पूछो तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये स्किल किसी एजेंडा या गोल से सीखो। मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये कोल्ड अप्रोच का स्किल तभी सीखो जब आपको गर्लफ्रेंड बनानी है या फिर लड़की पटानी है। दैट्स जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस स्किल सेट। जेंटलमैन, जब आप खुद को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डाल के कोल्ड अप्रोच का स्किल सीखना शुरू करते हो तब आपकी पर्सनालिटी बदलनी और बेहतरीन होनी शुरू हो जाती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाता है, आप थोड़े स्पॉन्टेनियस हो जाते हो, आपका दिमाग ज्यादा शार्प, ज्यादा फोकस और ज्यादा ऑब्जर्वेशनल बन जाता है, क्योंकि आपको नई नई चीजें, नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करनी होती है, आपको फ्लर्ट करना आ जाता है, आपको लड़कियों से अटेंशन पाना आ जाता है, आपको इवेंचुअली गर्लफ्रेंड बनाने या फिर दोस्त बनाना भी बड़े आसानी से आ जाता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस स्किल यंग एंड लर्न दिस स्किल राइट नाउ। जितना जल्दी सीखोगे ये चीज उतना बेहतरीन आपकी पर्सनालिटी और आने वाले दिन बनेंगे आपके जिंदगी में। दूसरा स्किल, अ स्किल सिमिलर टू कोल्ड अप्रोच इज द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई लिखना सीखो और बोलना सीखो। अगर आज तक आपको किसी ने भाव नहीं दिया, किसी लड़की ने भाव नहीं दिया, कोई दोस्त भाव नहीं देता, कोई इज्जत या फिर कोई रेस्पेक्ट नहीं देता क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सोसाइटी स्टेटस नहीं है, देन इट इज टाइम यू लर्न अ स्किल दैट इज अ वेरी हाई वैल्यू स्किल। मैंने हाल ही में इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था वेयर आई टीच यू हाउ टू डीपन योर वॉइस एंड मेक यू साउंड अ लॉट मोर मैनली, बट दैट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ थिंग्स। आपके लिखने का स्किल आपके ईमेल्स में, आपके करियर के प्रोजेक्ट्स में, एसेज में, थीसिस में या फिर इवन सुंदर लड़की के डीएम्स में बहुत मदद करने वाली है। तो नौकरी या छोकरी, दिस राइटिंग skill will come in very handy. The same principle, the same logic is applicable to your speaking or to your communication skills as well. जितने बेहतरीन तरीके से आप बात कर सकते हो, जितने engaging तरीके में आप अपनी कहानी बोल सकते हो, उतना ही बेहतरीन और उतना ही captivating speaker बनोगे आप, उतने ही entertaining इंसान बनोगे आप, and everyone would love to be around your company. लेकिन अगले दो skill हैं भाई आपके पैसों को लेके। The number one thing that I'll want you to learn in this early days of your life is कि भाई पैसा कमाना सीखो। करोड़पति बनना है, मिलियनेयर बनना है, forget all of it in your 20s. Learn the skill of providing value, learn the skill of generating value and making some money from it. मेरे भाई, अगर आपने अगले 10 साल में ईमानदारी से मेहनत करके genuinely कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करके या फिर प्रॉब्लम ढूंढ के उसका सोल्यूशन निकाल के अगर आपने पैसा बनाना सीख लिया तो भाई आपकी आने वाली जिंदगी में आपको पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, रादर पैसे कमाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड हाफ ऑफ द पजल, कि भाई पैसों को मैनेज करना सीखो। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, पर्सनल फाइनेंस में पीएचडी नहीं पाना, बट सिंस यू आर यंग आई वांट यू टू लर्न द बेसिक्स ऑफ बजटिंग। फर्क नहीं पड़ता आप आज कोई पैसा कमा रहे हो कि नहीं, आपका बजट आपके पास हमेशा होना चाहिए कि भाई मुझे इतनी पॉकेट मनी मिलती है, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे इतने नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस हैं, मेरे इतना सेविंग्स है और मुझे पता है कहाँ पे कौन सा पैसा किधर जा रहा है। यू शुड हैव सम मनी फॉर फन, यू शुड हैव सम मनी टू सेव एंड यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया ऑन वेयर द फक इज योर मनी
going. These two tools are the combination of these two skills. One, figuring out a way to make money by providing value, and two, the art of financial management, the art of budgeting and knowing your true limits is going to liberate your finances so much, is going to make you financially free and stable for so long that आपको पैसे की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं पांचवा स्किल भाई आपके गुड लुक्स के लिए, कि भाई एक टाइमलेस क्लासिक सिग्नेचर वार्डरोब बनाओ अपने स्टाइल के हिसाब से। एक बार जाके अपना अलमारी खोलो और निकाल फेंको वो सारी चीज जो आपको फिट नहीं होता या फिर आपकी उम्र से सटीक नहीं लगता। वो कोई भी कपड़ा जो आपको कॉन्फिडेंट नहीं फील कराती, वो कोई भी कपड़ा जो आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से सही ढंग से फिट नहीं आती, वो कोई भी कपड़ा जो आपके स्किन टोन पर अच्छा नहीं लगता, वो कोई भी कपड़ा, वो कोई भी आउटफिट जो आपको आज भी 14 साल का बच्चा दिखाता है, दैट नीड्स टू गो अवे फ्रॉम योर वार्डरोब। अब एक आसान तरीका टू डू दिस, एक आसान तरीका टू हैक दिस सिस्टम इज बाय गोइंग टू teambasics.com एंड गेट योरसेल्फ द क्लासिक teambasics शर्ट्स, क्लासिक teambasics टी-शर्ट्स, जीन्स, चीनोज एंड बॉसजन के शूज। मेरे भाई teambasics और बॉसजन के सारे चीज टाइमलेस है और क्लासिक है। अगर आपको अपने स्टाइल को ज्यादा मच्योर दिखाना है, अगर आपको अपने इमेच्योर स्टाइल से बाहर निकल के अपने स्टाइल में थोड़ा मैस्कुलिनिटी, थोड़ा मैनलीनेस लानी है, देन teambasics के टी-शर्ट, शर्ट्स एंड बॉसजन के शूज आर द बेस्ट फिट फॉर यू। अब जब एक बार आपका सिग्नेचर वार्डरोब बन गया तो फिर दूसरा काम भी कर लेना, अपने शक्ल के हिसाब से सिग्नेचर हेयर स्टाइल और सिग्नेचर बियर्ड स्टाइल भी ढूंढ लेना, कि भाई आपके शक्ल पे सबसे अच्छा हेयर स्टाइल कौन सा लगता है और आपके शक्ल पे सबसे अच्छी दाढ़ी कौन सी लगती है। नाउ जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, इवन दिस विल टेक टाइम, बट एटलीस्ट बी कॉन्शियस एंड बी इन टू द प्रोसेस। अब जब काम पे लग गए हो तो भाई कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप भी लेना ना भूलना। जेंटलमैन, दिस इज द बेस्ट हेयर पेस्ट For the Indian hair, made by an Indian company, by an Indian YouTuber, you can check it out at teambasics.com. अब जब आपके बाल, दाढ़ी और वार्डरोब का सीन सॉर्ट हो गया, then the eighth skill that I'll want you to keep in mind is आपका grooming और skin care. जी हाँ, आपका skin care और grooming का काम है आपके skin को हमेशा हमेशा के लिए young और सही तरीके से एज करवाना। अगर आप 20 साल की उम्र में 40 साल के बुढ़े लग रहे हो, that's a problem. You should look your age and you should age like a fine wine. कैसे होगा ये चीज़? Well, आपका diet, you have to eat well, which we'll talk about in a bit, but you have to make sure you're on a healthy grooming routine. जब बाहर जा रहे हो तो sunscreen लगाया करो, हर दिन अपने शक्ल को धोया करो, wash your face, scrub your face, use a moisturizer and put on some sunscreen. बड़ी basic चीज़ है यार, लेकिन कोई करता नहीं है चीज़। लेकिन यार ये तो बात थी looking young, but what if you want to actually be young even if you are a 40-year-old or 30-year-old man? Well, this is where the last two life skills come in very handy. जिसमें से सबसे पहला है आपकी नींद और आपका खान पान। Get enough sleep and get some high protein nutritious diet. यार हमारे खाने में सब कुछ है, हमारे खाने में फाइबर है, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है, हेल्दी फैट है, लेकिन प्रोटीन की कमी हमेशा हो जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा आप आज से थोड़ा प्रोटीन कॉन्शियस हो जाओ। अगर आपको वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना, नथिंग लाइक इट, बट अंडा खाना शुरू करो, नहीं तो दूध पीना शुरू करो, बट डोंट इग्नोर प्रोटीन फ्रॉम योर डाइट एंड डो नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी स्लीप, लॉन्ग डीप स्लीप फ्रॉम योर एक्टिव lifestyle. Now speaking of active lifestyle, जिम जाओ और हैवी वजन उठाना शुरू करो और बाहर जाके दौड़ना शुरू करो। दिन में ज़्यादा नहीं, 5-7 किलोमीटर आपको दौड़ना है और जिम जाके आपको बस हैवी वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। आपका जो चर्बी है वो निकल जाएगा, अगर आप में कोई मास या साइज नहीं है वो बन जाएगा, योर डोपामिन लेवल विल बी ऑन अ डिफरेंट हाई, योर टेस्टोस्टेरोन लेवल विल नेवर गो डाउन, इट विल ऑलवेज बी इन द हेल्दी रेंज एंड यू विल फील सो मच बेटर ऑल एट द सेम टाइम। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा यंग, ज़्यादा मस्कुलर दिखोगे, बिकॉज मसल इज द नेचुरल एंटी एजिंग। जितना ज़्यादा मसल होगा उतनी कम आपकी उम्र होगी या फिर उतने स्लोली आप एज होगे। सो मसल इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू हैव। अब जब आपने ये सारी चीज़ कर ली, देन द लास्ट थिंग दैट यू शुड प्रैक्टिस, द लास्ट थिंग दैट यू शुड प्रायोरिटाइज, द लास्ट स्किल दैट आई वॉन्ट यू टू लर्न इन योर 20s इज बाई द स्किल ऑफ ध्यान साधना क्रिया या मेडिटेशन। अगर आपने आज से ध्यान करना शुरू कर दिया, अगर आपने आज से जिम जाके वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया, अगर आपने आज से हाई प्रोटीन डाइट पे रहना शुरू कर दिया, अगर आपने आज से पैसा कमाना सीख लिया, अगर आपने आज से कोल्ड अप्रोच करना शुरू कर दिया, अगर आपने आज से कम्युनिकेशन स्किल पे काम करके लिखना, पढ़ना या फिर बोलना सीख लिया, अगर आपने आज से अच्छा दिखना शुरू कर लिया, देन योर फ्यूचर इज ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपके आने वाली जिंदगी में जो भी स्ट्रेस होगा, जो भी एंग्जाइटी होगी, जो भी परेशानी होगी, वो सब इस ध्यान में, इस मेडिटेशन में आसानी से निकल जाएगा। अब आज आपकी उम्र कम है तो शायद आज आपके लाइफ में उतनी परेशानी, उतनी एंग्जाइटी या फिर उतने प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। तो उस समय
इन सब चीज़ों का रूटीन या फिर इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस विल कीप यू ग्राउंडेड, स्टेबल एंड वेरी फ्री. सोचा था सिर्फ 8 बोलूंगा, लेकिन आई एंडेड अप स्पीकिंग 12 लाइफ स्किल्स दैट यू मस्ट लर्न इन योर 20s. अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर ऐसे वीडियोस और देखनी है तो कमेंट करके मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताना ना भूलना. ये चैनल आप ही के लिए भाई, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. इफ यू हैव एनी सच स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन बिलो. और हाँ, teambasics.com, teambasics के शर्ट्स, कैप्स, ग्रूमिंग का हेडसअप, बॉजन के शूज सारे हैं लाइव teambasics.com पे. जाके एक बार चेक करना ना भूलना. अपने स्टाइल और फैशन को इमेच्योर चाइल्डिश बचकान से एक मैन चाइल्ड वाले लुक से थोड़ा मच्योर मैस्कुलिन और मैनली बनाना. मेरा नाम है मैंगोड़ाचार्य. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए. जय हिंद, जय हिंद, टेक केयर.